स थ्री हाउ आर यू ऑल टूडे वी आर स्टार्टिंग योर यूनिट थ्री लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड लेक्चर टू वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स क्या होती हैं बच्चों हमने लास्ट टाइम अपना लेक्चर वन को एंड किया था जर्मिनेशन पर ठीक है बच्चों जर्मिनेशन का प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा और मेरी वीडियो से आप लोगों को और पता भी लगा होगा पिक बाय पिक्चर भी कि क्या होता है अब यहाँ पे वेजिटेबल्स की हम बात करेंगे वेजिटेबल्स किसे कहते हैं सब्जियाँ विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक टू ईट कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं वैसे तो मोस्टली बच्चों को वेजिटेबल्स नहीं पसंद होती बट पोटैटो एक ऐसी वेजिटेबल है जो सबकी फेवरेट होती है क्योंकि वही वो फ्राइज़ में यूज़ हो रहे हैं और वैसे भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है पोटैटो ठीक है पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होता है एनर्जी लेवल बहुत होता है अच्छे होती हैं हमारे लिए बट वो फैट्स भी हमें जो है मोटा भी कर देता है

Uh, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स आर गुड फॉर यू ईट्स लॉट ऑफ देम टू कीप हेल्थी आपको पता है वेजिटेबल्स में इतने सारे वाइटाम्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत असेंशियल हैं तो वेजिटेबल्स तो हमें हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा प्ले रोल कर रही है ठीक है अब हम यहाँ देखेंगे लीव बर्ड्स कैसे हैं कैबेज एंड लेटिस आर द रियली बर्ड्स ऑलमोस्ट द होल ऑफ प्लांट्स आर मेड अप ऑफ बर्ड ईच बर्ड्स कंटेन मैनी लीव्स बर्ड्स में जो प्लांट की बर्ड होते हैं कली होती है छोटी सी उसमें ये कैबेज और लेटिस जो है ये प्लांट के बर्ड और इनको वेजिटेबल भी कहा जाता है लीव बर्ड्स हैं ये ठीक है प्लांट के तो ये वेजिटेबल्स भी हैं हम कैबेज भी खाते हैं बन्गोभी जैसे कहते हैं लेटिस जो सलाद में सैलेड में यूज़ कर रहे होते हैं लीव्स क्या है स्पेनेज एंड मस्टर्ड पालक पपायदा सेलर मैन तो सभी देखते हैं उसमें आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा आप स्पेनिज की इंपॉर्टेंस दिखाइए कि उसमें से कैसे वाइटामिन मिल रहा होता है और कैसे वो खाते साथ उसको एनर्जी आ जाती है तो स्पेनिज जो है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है बॉडी के लिए ब्लड के लिए मस्टर्ड जो है सरसों का होता है इस आ, साग वगैरह अगर आप लोग ने कभी सुना हो खाते हो तो तो ये लीव्स हैं ठीक है रूट्स में हमारे पास कैरेट ब्रेड डिश और टर्नेप है कैरेट सबको अच्छी लगती है रैपेड और आपने देखा रैपिड की तो फेवरेट होती है कैरेट ब्रेड डिश और टर्निप ये सब तीनों क्या है रूट्स हैं प्लांट की रूट्स में से होती हैं स्टेम कैन भी हॉलो एंड सॉलिड ब्राउन रफ स्मूथ शुगर केन आपने देखा होगा सिलरी स्टेम्स देखें शुगर केन गन्ना गन्ने का रस अगर आपने देखा हो मशीन्स वगैरह जो बाहर बैठे होते हैं उसमें आप लोग ने नोट किया हो तो शुगर केन होता है शुगर केन स्टैम होता है प्लांट का स्टैम्प देखा आपने तना को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है उसी के ऊपर प्लांट सपोर्ट में होता है तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इसके अलावा सिलरी यहाँ ने कम देखा होगा बहुत ट्यूबर्स पोटैटो जिंजर एंड स्वीट पोटैटो आर द ट्यूबर्स, ये ट्यूबर्स क्या लाते हैं ये क्योंकि अंडरग्राउंड होते हैं जिंजर अदरक भी अंडरग्राउंड है स्वीट पोटैटो शक्करकंदी ये भी अंडरग्राउंड है एंड पोटैटो जिसको बहुत लाइक करते हैं ये भी अंडरग्राउंड होता है फ्लावरबर्ड क्वेल फ्लावर एंड बर्कले आर द फ्लावर्स बट वाइट पार्ट ऑफ द क्वेल फ्लावर इज द वेजिटेबल ये एक फ्लावरबर्ड है आपने देखा कि Uh, ये जो गोभी होती है इसकी शेप uh, इसके स्ट्रक्चर भी ऐसा लगता है जिससे फ्लावर है नीचे से कितने प्यारे से लीफ अरेंज हुए हुए होते हैं बट जो इसका वाइट पार्ट होता है वो क्या होता है वो वेजिटेबल होता है ठीक uh, है फ्रूट्स में सम जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्रूट भी होते हैं जैसे कि टोमेटो एज अ वेजिटेबल एज वेल फ्रूट भी है ठीक है द चिलीज टू फ्रूट और जो चिली है वो भी फ्रूट है ठीक है सीड्स में ब्रॉड बीन्स एंड पीस आर द सीड दैट ग्रो इन द पॉट्स अबव द ग्राउंड ये बीन्स हैं जो सीड्स अब आप देख सकते हैं एक बीनस ये नज़र आ रहे हैं और एक आपको मटर पीस नज़र आ रही है दोनों क्या है सीड्स हैं बल्ब किसे कहते हैं बल्ब हमारे ट्यूबलाइट वाले बल्ब की बात नहीं हो रही कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड पार्ट्स पे ग्रो करते हैं उन्हें बल्ब कहा जाता है जैसे कि अनियन अनियन जो है वो ग्रो फ्रॉम द बल्ब फ्रॉम सीड अनियन ठीक है बिल्कुल बल्ब की तरह ये ग्रो करती है इसलिए इसको क्या कहा गया अनियन को बल्ब सीडलिंग यंग प्लांट ग्रोन फ्राम द सीड्स आर कॉल्ड सीडलिंग्स क्रीज एंड मस्टर्ड आर द सीडलिंग ठीक है सीड्स बिल्कुल सीड से ही ग्रो हैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल ग्राउंड पर ही हैं उन्हें सीडलिंग कहा जाता है अब हम यहाँ पे देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स क्या है भाई लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के यहाँ पे मैंने पॉइंट्स अरेंज किए ताकि आपको ईजली समझ आ सके द सीड जर्मिनेट पहले क्या हुआ हमने एक सीड ग्रो करने के लिए जर्मिनेट हुआ फिर उसमें से प्लांट ग्रो हुआ प्लांट में से फ्लावर ग्रो हुआ फिर प्रोड्यूस हुआ सीड फिर उसने क्या किया फूड में से सीड रिलीज हुआ फिर न्यू साइकिल भी गिनों मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी सीड के जर्मिनेट पर और एंडिंग भी कहाँ हुई कि फ्रूट में से फ्रूट में से क्या हुआ सीड रिलीज़ हो गया इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ एक मैंगो का मैंगो खाया मैंगो का जो सीड है वो हमने अंडर द ग्राउंड लगा दिया प्लांट ग्रो हुआ कुछ टाइम बाद फ्लावर भी ग्रो हुआ फिर फ्लावर में से फ्रूट भी बन गया मैंगो बन गया मैंगो में अगेन उसका सीड हमने निकाल के लगा दिया तो ये क्या है एक लाइफ साइकिल है जो कैरी ठीक है द प्लांट स्टार्ट लाइफ एज अ सीड विथ जर्मिनेट और ग्रोइंग टू अ प्लांट दे फुली ग्रोम प्लांट रिप्रोड्यूस फ्लावर फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स इन अ फ्रूट द सीड जर्मिनेट एंड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट यही बात है कि प्लांट अपनी लाइफ स्टार्ट करे लीफ पे फिर वो जर्मिनेट करता है फिर प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करता है फ्लावर सीड प्रोड्यूस करता है फ्रूट में और फिर सीड क्या करता है जर्मिनेट करके न्यू लाइफ करता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेज वन में सीड है फिर स्टेज टू में सीड विथ रूट है स्टेज थ्री में सीडलिंग है और स्टेज फोर में यंग प्लांट और उसके बाद अगर स्टेजेस हम देखें तो क्या हो जाएगा फ्लावर फिर फ्रूट एंड देन सीड ठीक है बच्चों यहाँ पर आपका ये लेक्चर एंड है ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुनना है और इसका कोई आगे होमवर्क नहीं है आप